हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्विटी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मैथ के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे जो वर्ष 2016 के एनटीपीसी में पूछा गया था। इस वीडियो में 3 अप्रैल 2016 का सेकेंड शिफ्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न पत्र में 20 से ज्यादा मैथ का सवाल पूछा गया था, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो पहले ही अपलोड किया गया है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित नंबरों की माध्यिका 2.5 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिये, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, तो ये आरोही क्रम में सजा हुआ है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि आरोही क्रम में सजा हुआ है, तो ये इसको हम लोग मान लेंगे आरोही क्रम में है। तो देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे 0 0 1 1 2 2, एक्स है 3 3 4 5 और 7, ठीक है, यानी 7 है। तो इसमें ये देखिए आरोही क्रम में सजा हुआ है, और इसको एक्स का मान पूछ रहा है, और इसका माध्यिका यहाँ पर दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है 2.5 यहाँ पे दिया हुआ। तो देखिए, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले नंबर ऑफ यानी n की संख्या को गिनेंगे कि आंकड़े में कितना संख्या दिया हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर देखिए n बराबर 12 है, जो एक सम संख्या है। तो देखिए, अभी तक हम लोग जो बनाते आ रहे थे उसमें n बराबर विषम संख्या पे था, तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता था कि n प्लस 1 बटे 2 वहां पद होता था। लेकिन देखिए, यहाँ पर सम संख्या है, तो सम संख्या के यदि जब n बराबर सम हो, सम संख्या हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी माध्यिका का, तो माध्यिका बराबर क्या होता है, n बटे 2 वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वां पद और बटे 2। तो देखिए, यदि n बराबर सम हो तो माध्यिका बराबर होता है n बटे 2 वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वां पद बटे 2। तो यहाँ देखिए, n का मान कितना है 12, तो यानी 12 बटे 2 2 वां पद प्लस 12 बटे 2 प्लस 1 वां पद बटे 2। तो यानी देखिए, यानी यहाँ हो जाएगा 6वां पद प्लस 7वां पद बटे 2। तब देखिए, छठा पद क्या है, तो छठा पद हो 1 2 3 4 5, छठा पद है 2। तो यानी माध्यिका कितना दिया हुआ है 2.5 बराबर छठा पद 2 है, 2 प्लस, और सातवां पद क्या है x बटे 2। तो यहाँ देखिए, हम लोग क्या निकालें, तो ये 2.5 से 2 से गुना हो जाएगा, तो यानी 5 बराबर 2 प्लस x हो जाएगा, यानी x बराबर कितना होगा 3। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 437 है और उसका गुणनफल 21982 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो संख्या पूछ रहा है, संख्या नहीं, मान लेंगे पहला संख्या एक्स और दूसरा संख्या वाई, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक्स, दोनों संख्या का योग 437 है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 437, ठीक है, और दूसरा कह रहा है गुणनफल 21982, यानी एक्स वाई बराबर 21982, ठीक है। तब देखिए, इसको हम लोग बनाएंगे, तो देखिए चूंकि एक फॉर्मूला होता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy, इसको क्या करेंगे कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को इधर कर देंगे और इसको इधर कर रखेंगे, यानी हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 4xy बराबर एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए, अब क्या करेंगे कि एक्स प्लस वाई की जगह पर 437 रख देंगे, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी 437 का होल स्क्वायर, और माइनस 4 गुना एक्स वाई, एक्स वाई की जगह पर कितना 21982, तो 21982। तब देखिए, इसको हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करिएगा तो आएगा
190969 माइनस इस दोनों को गुणा करने पर 87928 आता है, ठीक है। तो इस दोनों को यदि घटाएंगे तो आएगा 103041, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर आ रहा है 103041, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो यानी एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा रूट ओवर 103041, ठीक है। तो इतना इसका यदि वर्गमूल निकालिएगा तो 321 आता है, ठीक है। तो तब देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर है 437, और दूसरा है x माइनस वाई बराबर कितना है 321। तो इस दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो 2x बराबर यानी ये घट जाएगा बराबर आएगा 738 आता है, यानी x बराबर है 379। और इसको यदि x बराबर पुट कीजिएगा तो y बराबर आता है 58। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन एक लॉटरी जीती है और इनाम राशि का 1/3 भाग उसे मिलता है, वह 6000 रुपये जो 1/6 भाग है दान कर देती है, तो लॉटरी कितने रुपये का थी। तो देखिए इसमें लॉटरी का दाम मानेंगे, लॉटरी x रुपये का था, ठीक है। तो देखिए लॉटरी मानेंगे x रुपये, ठीक है। तब देखिए क्या कह रहा है कि इनाम का 1/3 राशि उसे मिलता है, यानी उसे मिलता है कितना, तो देखिए उसे मिलता है 1/3 रुपये, ठीक है। तब देखिए वह 6000 रुपया जो 1/6 भाग दान है दान कर देती है, तो यानी उसको जो याद की इसमें हम लोग नहीं कंफ्यूज होना है कि यहाँ पर जैसे यदि लॉटरी का 1/6 भाग नहीं पूछ रहा है, यहाँ जो यहाँ ये कह रहा है कि जो उसको राशि मिला है उसका 1/6 भाग, यानी x 3 का 1/6 भाग दान करता है कितना 6000 रुपया। अब देखिए x का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो ये x 18 हो जाएगा बराबर 6000, यानी x बराबर 18 गुना 6000 कर लेंगे तो 18 6 78 से, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 78 पुस्तकें 114 क्रायन और 141 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए हैं, यह पाया गया है कि प्रत्येक में 6 अवितरित बच्चे हैं, तो बच्चों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए इसको देखिए हम लोग बनाएंगे, तो देखिए वितरित कितना किया गया है, तो चूंकि देखिए यहाँ कह रहा है कि 6 अवितरित है तो वितरित कितना किया गया है, यानी पुस्तक वितरित किया है 78 में से 6 घट जाए, और उसी तरह से क्रायन वितरित किया गया है 114 में से 6 घट जाएगा, और उसी तरह वितरित किया गया नोटबुक है 141 में से 6 घट जाएगा, यानी 72 ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 135, ठीक है। तो इतना कुल वितरण किया गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यह पाया गया कि अब बच्चों में समान रूप से वितरण, तो बच्चों की संख्या पूछ रहा है, तो देखिए इस तरह का सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका जो है इसको हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो सबसे पहले 72 और 108 के निकालेंगे, तो एक बार में निकले 72, ये 6 बच जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, इधर 72 बच आ जाएगा, इसमें 36 × 72 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसका मौसम तो ये आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है और दिया भी नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस 36 से 135 में 35 से महत्तम निकालेंगे, यानी 36 से, तो इसका भाग देंगे तो ये 3 बार में लगेगा इसमें, तो 108 बचेगा, तो इसको हम घटाएंगे तो ये घटाने पर आ जाएगा 7 और 2 27 है, और इसी तरह इसे 36 रखेंगे यहाँ पे, फिर 27 × 27 यहाँ पर 9 बच रहा है, ठीक है, और ये 27 यहाँ पर है तो 9 × 3 = 27, तो इसलिए ये बच्चों की संख्या जो है ये फाइनली महत्तम समापवर्तक कितना निकलेगा, इसका 9 निकलेगा, तो इस प्रकार बच्चों की संख्या क्या है 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM और HCF क्रमशः 168 और 6 है, तो यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दो शब्द है, ये एक है LCM और एक है HCF, तो LCM का मतलब होता है लॉस ऑफ यानी लघुत्तम समापवर्तक, और MCM का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, 168 है,
और महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 6, और पहला संख्या दिया हुआ है यानी एक संख्या दिया हुआ है 24। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ देखिए दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर होगा लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक बटे पहली संख्या। तो ये लॉस की जगह पर रख देंगे 168 लघुत्तम समावर्तक की जगह पर, अब महत्तम समावर्तक की जगह पर 6 रख देंगे, और पहली संख्या कितना है 24, तो इसको अब काट देंगे तो 6 × 24 हो जाएगा और ये 42 बार कटेगा। इस तरह से दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 42, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यश 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है जिसे उसे 10% की हानि होती है, कुल हानि 144 रुपये की हो तो बेची गई सब्जियों का सब्जियां कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें इसको हम लोग बनाएंगे कि यहां देखिए 10% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य की निकालेंगे, तो क्रय मूल्य मानेंगे ऐसे, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 40 और हानि 10% हो रहा है, तो यानी इस तरह से होगा कि x का 1 − 10% यानी 10% हानि हो रहा है, तो कितना हो रहा है विक्रय मूल्य 40 रुपये, यानी x गुना 90/100 = 40, तो ये कट जाएगा इससे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 400/9। अब देखिए कह रहा है कि सब्जियों का भार पूछ रहा है, ठीक है, भार कितना किलो का है, तो मानेंगे कि माना भार है 1 किलोग्राम सब्जियों का भार, ठीक है, और हानि कितना रुपया हो रहा है, हानि हो रहा है 144 रुपये। अब देखिए हानि दिया हुआ है, तो जैसे ये क्रय मूल्य है यानी 1 किलो का दाम 400/9 है, तो x किलो का 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, तो यानी इसका कुल मूल्य हो जाएगा 400/9 और माइनस कर देंगे जो विक्रय मूल्य यानी 40 है, बराबर होगा कितना 144 रुपये, ठीक है, यानी इतना रुपया इसका क्रय मूल्य है और इतना रुपया इसका विक्रय मूल्य है, तो हानि हो रहा है 144 रुपये। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ बना देंगे, मीन करें तो 9 हो जाएगा ये 400 माइनस ये 9 गुना हो जाएगा इसमें, तो 360 है बराबर 144। तब देखिए ये बच जाएगा कितना, इसमें घटाएंगे तो 40 से बराबर 144 × 9, तो यानी ए बराबर हो जाएगा 144 × 9/40, यानी इसको हम लोग आप भाग दीजिएगा तो बचेगा 32.40। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है एक 1000 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार करता है, तो रेलगाड़ी का गति क्या हो। तो देखिए रेलगाड़ी जितनी दूरी को पार कर रहा है तो उसका कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों जुड़ जाएगा यानी 500 + 1000 दोनों जुड़ जाएगा यानी 1500 मीटर, ठीक है। अब देखिए और पार कर रहा है 1 मिनट में, तो समय है 1 मिनट यानी 1 मिनट में को रखेंगे सेकंड में डिवाइड करेंगे तो 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा कितना, कुल दूरी है 1500 मीटर, 1500 मीटर बटे 60 सेकंड, तो ये देखिए ये 0 1 0 कट जाएगा, ये 3 से कटेंगे तो 3 में 2 बार बचेगा 2, और इसको 3 से कटेंगे तो 50 बचेगा यानी 50/2 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए ये मीटर प्रति सेकंड है लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए इसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं यानी 50/2 × 18/5, ठीक है। और ये तो इसको देखिए हम लोग काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा ये और ये 10 बार में कटेगा, तो इस तरह से 9 × 10 = 90 प्रति घंटा, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मनु ने एक दर्जन घड़ियां 1454.64 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेची तथा 16% लाभ अर्जित किया, तो घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कर रहा है कि एक दर्जन घड़ी इतना रुपये में बेचा गया, तो देखिए इसमें विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1454.64 और लाभ दिया हुआ है 16%,
तो देखिए इसमें क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रय मूल्य यदि मान लेंगे x, तो x का 1+16% बराबर विक्रय मूल्य, यानी जो बिक्री हुआ है, क्योंकि प्लस इसलिए हुआ क्योंकि लाभ अर्जित हो रहा है, तो 1454 और 0.64 हो जाएगा, तो 0.64 हट जाएगा बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर x गुना 116 बटे 100 बराबर 1454 बटे 100 हो जाएगा। तो 100 100 कट जाएगा, तब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1454 बटे 116। और देखिए इसको यदि आप लोग भाग दीजिएगा, इसमें से इसमें भाग देने पर आता है कितना, यानी 15048 रुपया आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा के 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 67.4 है, यदि एक अन्य कक्षा के 15 छात्रों द्वारा किए गए अंकों का माध्य 72.3 है, तो दोनों का संयुक्त माध्य क्या होगा। तो देखिए माध्य यहाँ पूछ रहा है, यहाँ माध्यिका नहीं है, तो माध्य आमतौर पर क्या होता है, औसत माना जाता है, ठीक है। आम माध्य का मतलब औसत होता है। तो देखिए 12 छात्रों का माध्य यहाँ, तो यानी 12 छात्रों के अंकों का योग बटे 12 बराबर कितना है, 67.4। तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 12 यानी 12 छात्रों के अंकों का योग हो जाएगा 67.4 गुना 12। तब देखिए इसको गुना करेंगे, ठीक है। अब उस दूसरी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एक अन्य कक्षा में 15 छात्रों द्वारा कह रहा है, तो यानी 15 छात्रों का माध्य दिया हुआ है, तो 15 छात्रों का इसी तरह से बनाएंगे का अंकों का योग बटे 15 बराबर 72.3। तो यानी 15 छात्रों के अंकों का योग बराबर हो जाएगा 72.3 गुना 15, ठीक है। अब देखिए संयुक्त औसत पूछ रहा है, तो संयुक्त औसत बराबर हो जाएगा 67.4 गुना 12 प्लस 72.3 गुना 15 बटे हो जाएगा कुल कितना 12 प्लस। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे, हल करने पर आएगा इतना गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 808.8 और प्लस करने इसमें ये 72.3 गुना 15 हो जाएगा 10.84.5 और ये दोनों को जोड़िएगा आएगा 27, ठीक है। तो इसमें देखिए अब इसको दोनों को जोड़ने पर आता है 1893.3 बटे 27, तो इसको भाग कीजिएगा तो लगभग आएगा 70.122, तो इसको हम ए आंसर मान सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 22 सेमी है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसमें परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, तो देखिए वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, तो देखिए वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर हो 2πr, तो और दिया कितना हुआ है 22 बराबर 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना 8, तो 22/22 कट जाएगा, तो यानी 2r बटे 7 बराबर 1, तो यानी r बराबर हो जाएगा 7/2, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी 7/2 गुना 7/2 बटे 2, तो ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा इससे 11, तो यानी 11 गुना 7/4 यानी 77/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम भाग दीजिएगा तो लगभग आएगा 19.25, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा।